कैसी ये है? हुई रो? एग्जाम कैंसल तो हो गई है। हाँ। एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है, बारी वाले के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई। हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा पानी में दिख रहा है अभी तो। ट्वेल्थ वाले तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिशनरी पराग। अपना लड़का सीख गया है अनमोल रतन, क्या बात है राहुल, वेरी गुड। इंट्रो सीख गया अपना राहुल, इसके लिए एक लाइक तो बनता है और हैशटैग जय भीम भी लिखिएगा इसके लिए। जय भीम बोल दे। जय भीम। तो लॉकडाउन गाड़ी चालू किया जो ये ऐसे ही होता है जब भी ब्लॉग करना शुरू करता मैं, गाड़ी की आवाज आती, इधर उधर की आवाज आती और फिर ये लोग भी कभी कभी परेशान करना शुरू कर देते। राहुल मोहित गाड़ी बंद होने तो फिर से करते। लॉकडाउन के कारण ये सब हेयर्स बढ़ चुके हैं और हेयर कटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो अभी नया लुक अपन देने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए अभी शुरू। तो ये है लॉकडाउन के बाद का नया लुक। लॉकडाउन खुल चुका है और लॉकडाउन खुलने के बाद सैलून खुले और उसके बाद में ये नया लुक अपन दे पाए हैं। तो काफी दिनों बाद देख रहे हैं ना बोधिसत्व दिनदर्शिका को, तो मैं इसलिए आज बोधिसत्व दिनदर्शिका को दिखा रहा हूँ क्योंकि आज जो तारीख है वो है 9 जून और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट तारीख है बहुजन समाज के लिए। आज के दिन क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज के दिन 1900 में शहीद बिरसा मुंडा इनका स्मृति दिन है आज। जल जंगल और जमीन की बात जिन्होंने की, जिन्होंने बताया कि आप इस देश के अगर मूल निवासी है तो इस देश का जल जंगल और जमीन आपका है। इस बात की लड़ाई, इस बात का उलगुला निर्माण करने वाले जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष है बिरसा मुंडा, उनका आज स्मृति दिवस है। बिरसा मुंडा जो है ये आदिवासी समाज से आने वाले हमारे महापुरुष हुए, लेकिन महापुरुष किसी भी जाति के नहीं होते क्योंकि उनका जो काम है ये डेमोक्रेटिक होता है। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में है तो कास्ट वैलिडिटी आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको अगर पता होगा। तो अभी मिताली की कास्ट वैलिडिटी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। वैलिडिटी एक्चुअली बन चुकी है, उसकी प्रिंटआउट ईमेल आया था, उसका प्रिंटआउट मैं लेने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि उसकी क्वालिटी है किस तरीके इसको संभाल कर रखा है। वैलिडिटी मैंने ले ली है और वैलिडिटी को जब भी आप लेते हैं तो इस तरीके से ये लेमिनेशन करा लीजिए तो ये अच्छा रहता है। हाँ मिताली, ये वैलिडिटी अपन ने दे दी है, भी 12th वालों के लिए जरूरी है वैलिडिटी आगे के लिए। ये आगे की प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि घर के पास में एक वैक्सीनेशन के लिए कुछ कैंप आया हुआ है और दादी घर में आ चुकी है तो वैक्सीनेशन कराने के लिए जाने का हम सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। राहुल मोहित क्या कर रहे हो? अच्छा मोहित क्या कर रहा है? ढाल बना रहा है, कौन सी बाहुबली वाली ढाल बना रहा है ये, है ना? ये खड्डे से इधर में भी बनाया है, ठीक है दिखा दो ऊपर दिखा। ये देखो इस तरीके से कुछ इसमें टेप लगाया है और इधर में ये इस तरीके से ढाल बाहुबली वाली ढाल है। कैसी ये हीरो? वाह। और इधर ये क्या कर रहा है? इसका हिंदी ग्रामर का क्या पढ़ रहा है? हिंदी है ना? हाँ। हिंदी ग्रामर का पढ़ रहा है। और ये नई बुक्स दिख रही है इधर में? हाँ, नई बुक्स लाए कल आज मम्मी ने। नई बुक्स लाए। तो आज क्या है पता है? बिरसा मुंडा इनका स्मृति दिवस। बिरसा मुंडा पता है कौन है? नहीं, फोटो दिखाऊंगा ठीक है। ओके, ये हमारे दोनों चार्ट्स लगे हुए है ना जो कि हमको पढ़ने के लिए भी काम आते हैं। और पिछले वाला बर्थडे का वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आया है ना, तो बर्थडे के लिए सभी को थैंक यू बोल दे जिसने विश किया। जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया उनके लिए थैंक यू। ओके ठीक है। तो अभी नई बुक्स आ चुकी है ठीक है, स्कूल खुलेगी नहीं खुलेगी बात का मैटर है ठीक है, लेकिन अभी पढ़ना अपना शुरू कर देना अपने को ठीक है ना। और कुछ भी हेल्प लगी तो फिर ताई है या फिर मुझसे पूछने का। तो अभी हम चल रहे हैं वैक्सीनेशन अभी हम वैक्सीनेशन के लिए चल रहे हैं, मेरे नहीं दादी का वैक्सीनेशन करने के लिए। तो देखते हैं, अगर आपने भी वैक्सीनेशन किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर किया है तो हैशटैग यस लिखिए। तो वैक्सीन लगाकर हो चुकी है और वैक्सीन लगाने के बाद में टैबलेट्स मिले दो जो पैरासीटामोल की है। तो अभी देखते हैं आने वाले समय के अंदर में इसके क्या रिएक्शंस होते हैं, जो भी होंगे आपको अपडेट मिलती रहेगी।
ट्विटर पर 3 जून को एक ऐसा ट्वीट आया, साथ में उसके एक ऐसा वीडियो आता है जिसको देखने सुनने के बाद में बारी वाले के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई। आप भी देखना चाहते हैं? देखो, राज्य मंडळाची जी परीक्षा असते ती रद्द करण्यासंदर्भातला निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारने घेतलेला आहे। तो ये जो मराठी में बात कर रहे हैं, इनका हिंदी ट्रांसलेट में बताता हूँ। उसके पहले ये कौन है? ये है वर्षा गायकवाड़, जो हमारे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर है। और इन्होंने बताया है कि 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है सीबीएसई की, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि पहले ही नहीं होगी। और अभी स्टेट बोर्ड की भी जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो कैंसल हो रही है। सुन रहे हैं आप लोग? कैंसल हो रही है। तो ट्वेल्थ वाले, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी होने वाली है। और ट्वेल्थ वालों से ही पूछते हैं कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद में उनको कैसा लग रहा है। एग्जाम कैंसिल हो गए, कैसा? फीलिंग सो बैड। व्हाई? वो क्या है कि अभी एग्जाम कैंसिल तो हो गई है। हाँ। एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है, एक तरफ से बहुत बुरा भी लग रहा है। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम होनी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि एग्जाम होने से क्या था, एक बेसिक क्लियर हो जाता हमारा। तो वो बेसिक जो क्लियर होता उससे हमें आगे जो जितना भी कुछ है स्टडीज में, एजुकेशन में, जितना भी हमें समझ में आएगा वो क्लियर हो जाता, उसके लिए हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अभी क्या है, अभी हमारी एग्जाम नहीं हुई और अभी जो सामने जितना भी हमें पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, 12th का हमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ना सिलेबस कंप्लीट हुआ था, ना कुछ हुआ, कुछ भी। ऑनलाइन एग्जाम काफी दिन से चल रही थी, कुछ लोगों को समझ में आ रहा था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जिन्होंने कोचिंग लगाई है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे बहुजन समाज के ऐसे भी लोग हैं जिनका कोचिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है, यहाँ तक कि कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, तभी भी वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई ऑफलाइन पढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे। और अभी कैंसिल हो चुकी है तो अभी पता नहीं उनके साथ में क्या होता है। जो बहुजन समाज है उनके पास में तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑफलाइन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ठीक। और पढ़ाई में तकलीफ तो होनी ही है, अभी आगे तो बहुत तकलीफ होगी, ये हमें पता है। हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा पानी में दिख रहा है अभी। हाँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। फ्यूचर को पानी में डुबाया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम देखते हैं कि कोरोना के कारण कितनी सारी तकलीफें हो रही है। एजुकेशन सिस्टम पर सीधा तलवार चली है और वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर में खासकर जो बहुजन समाज है वो क्या बने, वो गुलाम बने, है ना। और गुलाम कब बनेगा, जब वो उसको अनएजुकेटेड रखा जाएगा और अनएजुकेटेड रहने के बाद में उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और वो वैसे ही गुलाम बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, अपॉर्चुनिटी ही नहीं देना चाहते, तो आप कितना पढ़ लोगे। अभी ये कोरोना के चलते एजुकेशन से तो है ही। हाँ। बल्कि सरकारी जो नौकरियों के जो पद है वो भी कम करने में आए गए। तो आजादी के बाद में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कोई आई है तो वो अभी का समय है। अभी के समय के अंदर में जितनी ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर में है तो इसके पहले ऐसा कभी नहीं था। अगर हर एक चीज के अंदर में बढ़ोतरी हो चुकी है, बस विकास को छोड़कर, विकास गुम हो चुका है, उसका कोई अता पता नहीं है। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर घूम रहा है विकास, पकड़ के लाइए उसको। आपके साथ में ये जो एग्जाम कैंसिल होने वाली जो बात हुई है ना, ये बहुत खुशी की बात है, सभी लोग खुश हैं। लेकिन जिनको इस चीज के पीछे की रियलिटी पता है, उन लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके साथ में कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। क्योंकि ये जो एग्जाम कैंसिल हुई है, कैंसिल करवाई गई है। ये एग्जाम हो सकती थी, काफी सारे देशों के अंदर में भी अभी भी एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, उन्हें सारी तरीके की सिक्योरिटीज रखी है। बस आखिर है, यही कहना चाहूंगा कि नियत होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट की अपने लोगों को एजुकेट करने की, बाकी सारे चीज तो आपके ऊपर में डिपेंड है। आप ही लोग के साथ में इस तरीके के षड्यंत्र होते चलेंगे, आप अगर सतर्क नहीं होंगे तो ये और चीजें इस तरीके से समस्या बहुजन समाज के लिए बढ़ती आने वाली है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन आपको खुद ढूंढ निकालना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कोई भी चीज आपको अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।